हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन फॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही की चटनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना कितनी लाजवाब हमारी दही की चटनी, टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो दही की चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने 2 बड़े साइज के चम्मच से दही लिया है। ये वेट में लगभग 50 से 60-70 ग्राम के आसपास है। तो हमने ये दही ले लिया है और दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो हमने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे हम। धनिया और लाल मिर्च का क्वांटिटी हम सेम रखेंगे और 1/2 से भी कम चम्मच 1/4 चम्मच हम यहाँ गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें और स्वाद के अनुसार नमक। तो इन सब को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से आप बनाएंगे दही की चटनी तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। ये बहुत ही खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। तो अब हमने 2 प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया है, क्योंकि अदरक हमने 1/2 इंच के आसपास लिया है और लहसुन 7 से 8 कलियाँ लिया है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें 1/2 चम्मच के आसपास तेल डालेंगे फ्रेंड्स, और इसमें 1/4 चम्मच के मात्रा में सरसों और जीरा, खड़ा जीरा जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। दोनों 1/4 चम्मच के आसपास है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, केवल सुनहरा होने तक इसे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फिर, तो ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे हम। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे मिलाएंगे। अदरक और लहसुन जिस समय डालेंगे फ्रेंड्स, तो उससे फ्लेम कम कर देंगे, नहीं तो हमारा अदरक कढ़ाई में चिपकने लगेगा, इसलिए लो फ्लेम करके इसको डालें। तो अब हम इसमें हमने जो पेस्ट तैयार किया था दही मसाले का, तो वो डालेंगे फ्रेंड्स। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का हमने जो इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो काश्मीरी पाउडर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, उससे इसका कलर और तेज आएगा, थोड़ा सा लालपन आएगा। तो मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो हमने केवल लाल मिर्च पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि इसमें थोड़ा सा कलर जो है इसका और ज़्यादा निखरे और ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगे। तो इसी तरह से हम देखें इसे धीमी आंच पे बिल्कुल पकाएंगे। तो ये देखिए, पकाने के बाद हमारा तेल कुछ इस प्रकार से छोड़ रहा है कढ़ाई दही के ऊपर। हमारा जो दही मसाला जो हमने तैयार किया था उसके ऊपर तेल निकल रहा है। तो इसे पकाना है फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल धीमी फ्लेम पे, एकदम बिल्कुल गैस के आँच को कम कर देना है। तो हमारा फाइनली बन के तैयार है फ्रेंड्स दही मसाला की चटनी। तो ये देखिए, देख के मन कर रहा होगा खाने का फ्रेंड्स, क्योंकि है ही ऐसी चीज़। और आपके घर में कुछ भी नहीं हो, सब्जी उब्जी नहीं हो, तो आप इस प्रकार की रेसिपी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी होता है फ्रेंड्स।
तो आप भी इसे अपने घरों में बनाएं, एक बार इस रेसिपी को बना के जरूर ट्राई करें। उसके बाद आप कमेंट करके बताना फिर कि ये कैसी रेसिपी लगी थी आपको। एक कढ़ाई में धीमी आंच पे बहुत तेल छोड़ने लगता है फ्रेंड्स, और इसे जब मिलाएंगे तो इसका तेल आपस में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो तेल दिखता नहीं है, लेकिन ठंडा होने के बाद कुछ कुछ तेल ऊपर आता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स देखने में। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।